हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो शेयर से रिलेटेड उसके फंडामेंटल्स एज वेल एज कुछ फाइनेंशियल उसके देखेंगे। वीडियो की तुरंत शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अगर उसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और दो शेयर से रिलेटेड बातें करना एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और भी लोगों तक फैलाइए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम सब मिलकर एक परिवार की तरह आगे बढ़ सके। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दो वीडियो मैंने अभी डाले हैं, एक एस्ट्राजेनेका से है कि एस्ट्राजेनेका का शेयर का क्यों गिर रहा है और कब तक भागेगा और कितना भागेगा, उससे रिलेटेड न्यूज है, उससे रिलेटेड ये बनाया है वीडियो, एज वेल एज ब्रेकिंग न्यूज है एक पीएलआई स्कीम से रिलेटेड। ओके, तो ये पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड मतलब शेयर है जो कि भाग सकते हैं, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छे शेयर है और आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और एज वेल एज बात की जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, एक श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका अगर डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और है भी तो एक अकाउंट और एक्स्ट्रा होना चाहिए, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्लिक करके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कराइए, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, दो शेयर है, एक तो एफएमसीजी सेल का शेयर है, एज वेल एज बात करें एफएमसीजी का दिग्गज शेयर है, 350 पे कवर किया था, आज 900 के आसपास है। और एक और शेयर है सूर, एक बात की जाए ये शेयर पीएलआई स्कीम का दोनों को ही फायदा है, और एक ये है इलेक्ट्रिकल सामान बनाता है, अगर बात की जाए होम अप्लायंसेस से रिलेटेड काम करता है। तो आइए पहले शेयर की तरफ, तो पहला शेयर है एडीएफ फूड्स। तो ये देखिए, ये शेयर से रिलेटेड मैंने बातें कब करी थी, जब ये शेयर 300-350 के आसपास चल रहा था, मैंने आपको बताया था, इस मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं ऊपर आपको दे दूंगा आई बटन पे। और तो काफी बेहतरीन शेयर है, अगर एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 187 रुपीज़ का शेयर चल रहा था अभी अप्रैल में, और अभी अगर बात करें तो 947। और मैंने आपको शेयर कब बताया था, इसके आसपास मैंने आपको शेयर बताया था और आपको बताया था कि इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, ये काफ़ी बेहतरीन शेयर मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो भागा है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपये का 4 रुपये का शेयर हुआ करता था। इसके बाद कंसोलिडेशन फेज को भी हमेशा ध्यान रखना, इसे बिल्कुल मत भूल जाना कि इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन फेज को झेला भी है, बाकी गिरावट भी अच्छी खासी यहाँ पर हुई है। बट इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें मार्च से रिलेटेड 138 का शेयर जो इसने रैली पकड़ी है, लगभग 600% के शेयर आपको 600% के रिटर्न आपको दिए। अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का परफॉर्मेंस लगभग 40% की डिलीवरीज, और कोई भी न्यूज़ वाला, कोई भी आपके टीवी पर, कोई भी दूसरा यूट्यूबर आपको इन शेयर के रिलेटेड नहीं बताता, क्योंकि ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैंने इस शेयर के रिलेटेड 1 से 2 वीडियो बनाई है, मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली बताऊँगा। और यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, अगर बात करें यहाँ पर कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, सब चीज़ हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और अगर यहाँ पर हम देख लें इसके कुछ फाइनेंशियल्स, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स देखने से पहले इनकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो एडीएफ का फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो एडीएफ फूड्स को हम कहते हैं अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं है, ओके, ये अमेरिका में आपको मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी, अलग अलग प्लेसेस पे मिल जाएगी। अगर बात करें, ये देखिए पिकल्स चटनी वगैरह बनाती है, पिज़्ज़ा सॉसेज होती है, पास्ता सॉसेज होती है, वो बनाती है। यहाँ पर आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पर और यहाँ पर देखेंगे ना, तो इनका प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया से बाहर भी आपको अलग अलग प्लेसेस पे, आपको यूरोप में बात की जाए, यहाँ पर अमेरिका हो गया, ओके, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको मिल गया, यहाँ पर ये पूरा यूरोप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया में प्रेजेंस है। तो कंपनी का प्रेजेंस यही नहीं है, कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। और ब्रांड की बात की जाए तो देखिए अशोका मसाले आपने सुना होगा, अशोका यहाँ का इनका ब्रांड है। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर सोल नेट्स पीजेस, ओके, ये कैमल्स, कैमल का भी नाम आपने सुना होगा, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स भी आई थिंक काफ़ी महंगे होते होंगे, क्योंकि कैमल्स का नाम मैंने सुना है तो काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोका पिज़्ज़ास वगैरह, यहाँ पर पिकल्स वगैरह, नेट्स, और यहाँ पर इनका मतलब रेडीमेड फूड्स जिसे कहते हैं ना, वो भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आता है। तो कंपनी फूड से रिलेटेड है और प्रेजेंस बाहर भी है, एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आती है यहाँ पर, ये फूड यहाँ पर देख सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल्स चटनी, रेडी टू ईट आइटम, पास्ता सॉसेस, फ्रोजन फूड्स, स्पाइसेस, तो यहाँ एक्सपोर्ट करती हुई भी नज़र आती है ट्रूली इंडियन स्पाइसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मार्केट कैपिटल की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये शायद माइक्रो कैप कंपनी हुआ करती थी, अभी स्मॉल कैप में
आ गई है, 1867 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करें तो 28 का आरओसी, डेट की बात करें तो ना के बराबर डेट है इस कंपनी के ऊपर, जो कि रिड्यूसिंग मैनर में है। यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ती जा रही है और दिसंबर में लगभग 100 करोड़ रुपये की सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की टैक्स के बाद बात करें तो 14 करोड़ रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिट बात करें तो दुगना प्रॉफिट हो गया, कितने, केवल 2 साल के अंदर अंदर। अगर बात करें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस की, तो 2009 में 91 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी 346 करोड़ रुपए की सेल है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्मेंस दिए जा रहा है। कोई भी यहाँ पर एक भी साल ऐसा नहीं है कि जिसने इसने कम किया हो फिर बढ़ाना हो, यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत गैप आया, बट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती आ रही है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 8 करोड़ का प्रॉफिट, आज की डेट में 48 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो गया। और क्या चाहिए आपको। रिजर्व्स की बात करें, 207 करोड़ का रिजर्व्स, जैसे कि बोला था 13 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर बोरिंग है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 14 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट की बात करें 60 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इनके पास रखा हुआ है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग बात करें, 31% यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स के पास शेयर है। FIIs की बात करें, FIIs ने तो यहाँ पर धूम मचा दिया, मतलब कुछ भी शेयर नहीं थे और दिसंबर में यहाँ 10% के शेयर यहाँ पर खरीद लिया। DIIs ने थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है। बाकी पब्लिक की बात करें, पब्लिक में भी HNIs की यहाँ पर देखेंगे तो किसी ने 19, किसी ने 3, किसी ने 1, किसी ने 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है। लगभग 20-30% की हिस्सेदारी केवल यहाँ पर पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी FIIs, DIIs, HNIs और प्रोमोटर्स के पास हमें नजर आती है। तो इस शेयर को, कंपनी को भूल मत जाना, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और यहाँ पर पहली बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर ले। दूसरी अगर शेयर की बात करें तो ये सूर्य रोशनी लिमिटेड से रिलेटेड है। देखिए इससे रिलेटेड भी कोई बात नहीं करता, मैंने कभी भी टीवी पर नहीं देखा है कि इससे रिलेटेड बातें की जाए, या फिर दूसरे शेयर हो जिससे इससे मतलब कोई चैनल हो जो इससे रिलेटेड बातें करता हो, बट ये मेरी नज़र में आया कुछ दिन पहले, तो मैंने यहाँ पर सजेस्ट करना चाहा। ओके, आज के दिन जब इसका PLI स्कीम आई है जिसका फ़ायदा इसे भी होता हुआ नजर आएगा, और जिसकी वजह से आज के दिन 7% भागा है ये शेयर, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को यहाँ पर ये शेयर के रिलेटेड अवेयर कराना चाहिए। यहाँ पर देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ है, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी गिरावट भी होती हुई साफ नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो इस गिरावट को झेलने के लिए भी तैयार रहना, अगर इस ऐसी कंपनी की इस तरीके के रिटर्न चाहिए कि 83 रुपीज़ का 64 रुपीज़ का शेयर था और यहाँ पर भी 500% के रिटर्न दिए, एक ने 600, एक ने 500% के रिटर्न एक एक साल में दिए, तो इन सब चीज़ को देखना। 52-week हाई की बात करें तो 409 पे शेयर आया था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है, बट नॉट एन इशू, कंपनी अच्छी खासी है। कंपनी का अगर बिजनेस के की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं सीलिंग फैन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा यहां पर बात की जाए, यहां पर लाइटिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। बात की जाए यहां पर ये होम अप्लायंसेस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ये स्टील पाइप्स एंड CR स्ट्रिप्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है, और इसके अलावा ये काम करती है PVC पाइप्स एंड फिटिंग, यहाँ पर जो ये होती है इन चीज़ों से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी का और भी जान सकते हैं इनके वेबसाइट पे जाके, एक्सपोर्टिंग टू ओवर 50 कंट्री, मतलब 50 और दूसरी कंट्री में यहाँ पर ये सेंड मतलब अपना सामान बेचती है, एक्सपोर्ट करती है। CAGR बात करें, पिछले 5 साल में 14% के CAGR से यहाँ पर कंपनी काम करती है, प्रॉफिट देती हुई आपको नजर आ रही है। होम अप्लायंसेज में कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। और सूर्या का नाम मार्केट में चलता भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ADF फूड और ये दोनों कंपनी PLI स्कीम के अंतर्गत भी आई है। अगर यहाँ पर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 40% की डिलीवरीज उठाई गई है। और बात करें कोई यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड बात है तो कंपनी डिविडेंड भी देते हुए नज़र आ रही है, 17, 18, 19, 20, 20, 20 में तो 2 बार रीजनल डिविडेंड दिया है। और बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर देखिए 9% की हिस्सेदारी यहाँ पर गिरवी रख रखी है प्रोमोटर्स ने, बट बात करते हैं 25% होती है, उससे ज़्यादा होती है तो हमें घबराने की ज़रूरत है। बट कंपनी अगर प्रॉमिसिंग है, कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, तो हमें इस चीज से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोबारा ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, माइक्रो कैप कंपनी है। ओके, भागती है तो तेज भागती है, गिरती है तो तेज गिरती है, जो कि इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखाता ही है। 9% की प्लेजिंग है। डेट की बात करें तो अच्छा खासा यहां पर डेट आपको दिखाई देगा। अगर यहां पर देखें सेल्स की, तो यहां पर सेल्स देखिए, यहां पर 1426 करोड़ रुपए की सेल्स थी, तो जो कि लगभग सेम ही आपको नजर आई है। यहां पर कोविड का इफेक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर दिसंबर की बात करें तो यहां पर 1500
77 करोड़ की सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी साल में होता हुआ नज़र आया है, यहाँ पर एक क्वार्टर को छोड़ दे तो 116 करोड़ रुपए का। और नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ क्वार्टरली बात करते हो, 37 करोड़ का प्रॉफिट आज 55 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुँच गया है दो साल के अंदर अंदर। अगर हम बात करें सेल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में 1462 करोड़ रुपए की सेल्स थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 10 साल के अंदर अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 गुना सेल्स बढ़ गई है, 3 से ज़्यादा ही बल्कि 5171 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 83 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पर 843 लगभग 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है, 4 से 5 गुना। और बात करें यहाँ पर प्रॉफिट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस है 22 करोड़ का प्रॉफिट 128 करोड़ रुपये का प्रॉफिट में चेंज हो गया। रिजर्व्स की बात करें तो देखिए 1205 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिजर्व्स है जो कि कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। बोरिंग की बात करें तो देखिए बोरिंग यहाँ पर अच्छी खासी पहले बढ़ रही थी, कंपनी ने यहाँ पर अभी बोरिंग भी चुकाना शुरू कर दिया है, 820 करोड़ की बोरिंग है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ता हुआ नजर आता है, बट यहाँ पर आप देखते हैं तो कंपनी लगभग बोरिंग इन्होंने ले रखी है तो बोरिंग का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पे करती है तो 79 करोड़ रुपए का अगर बात करें यहाँ पर एक साल में यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया है, फिर 114 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। तो यहाँ पर बात करें इंटरेस्ट में इनका पैसा जा रहा है, एक बार ये डेट फ्री कंपनी हो गई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और एज वेल एज बात करें यहाँ पर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट की तो 3 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश यहाँ मार्केट कैश फ्लो भी अच्छा खासा है इनके पास। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 62% जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें से 9% शेयर गिरवी भी है। DIFIs की बात करें तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। DIS की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी गिरा इन्होंने अपने शेयर बेचे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 32 से 33% की हिस्सेदारी है, बट अगर यहाँ पर HNIs को यहाँ पर हटा देते हैं तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें 3, 3, 6, 7, 8, 9 मतलब आपको 12% की मतलब 22% की हिस्सेदारी पब्लिक की आपको साफ दिखाई देगी। और अदर्स की बात करें तो यहाँ पर अदर्स में इनका ट्रस्ट खुद का ही ट्रस्ट है जिन्होंने 1% की हिस्सेदारी 1.5% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो ये कंपनी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, एक बार अगर इनका डेट खत्म हो जाता है अपने प्लाइजिंग शेयर छुड़ा लेते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे भी इसके रिजल्ट आएंगे तब भी हम बात करेंगे। तो अगर प्रॉमिसिंग रिजल्ट आए, ओके कुछ डेट इन्होंने रिड्यूस किया होगा वो अच्छा हमें लगा, तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य रोशनी जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है वो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न के थ्रू, जिस तरीके से 64 रुपये का शेयर आज के डेट में। और PLI स्कीम में इनको आज के दिन पीयूष गोयल साहब ने आपको देते हुए मिले हैं इंसेंटिव, तो ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे करती आएगी। तो यहाँ पर सूर्य लाइट रोशनी से रिलेटेड ये कंपनी, और एज वेल एज ADF फूड जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, हमें पता ही नहीं चलता कब कब में बढ़ के चली जाती है, तो इसलिए इस कंपनी की तरफ हमें ध्यान देना होगा। ये दोनों कंपनी स्मॉल माइक्रो स्मॉल कैप है बट अच्छी खासी कंपनी नजर आ रही है, PLI स्कीम एज वेल एज ग्रोथ भी कंसिस्टेंट दिखा रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।